तो ये कलरफुल सा चटपटा सा अचार बना लेते हैं। ये है लाल मिर्ची का, जो मोटी वाली मिर्ची होती है ना, उसका अचार, जिसके लिए मैंने सिर्फ एक पाव मिर्ची यानी चार मिर्ची आई उसमें वो ली हैं। इसका हम अच्छे से वॉश करके बहुत सुखा ली है मैंने 2 घंटे धूप में। उसके बाद ये देखिए इसका ऊपर वाला जो है इसकी टोपी, इसको उतार देंगे। इसको उतारने के बाद ना इसको हम खाली कर लेंगे अंदर से। ये देखिए ये थोड़ा सा रह गया इसके ऊपर, ये मैं साथ ही डाल दूँगी। तो ये देखिए बीज, और बिल्कुल इसको खोखला बना लीजिए, इसको खाली कर लीजिए, बीज निकाल दीजिए इसमें से। आप पीलर होता है ना जो लंबे वाला, उससे भी निकाल सकते हो, पर मेरे को लगी नहीं ज़रूरत। आराम से इस तरह से सारा खाली कर लीजिए, अभी भी रह गए हैं थोड़े से। तो ये थोड़ी सी कड़वी होती है तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। देखिए बिल्कुल हॉलो हो गया है। ये मैंने मेथी ली है 1 चम्मच, और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, और 2 चम्मच मैंने ली है मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। इसको गैस पर रख के हल्का सा कर लेंगे गर्म। मैं फिर से बता रही हूँ कि मैंने ये बिल्कुल देखिए आराम से करना है। 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, और 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड सीड्स यानी राई ली है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ब्राउन होने तक रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा बस हमने एक तरह सुखाना है। इसका जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसको सुखा लेना है। ये देखिए थोड़ा हिला हिला के इसको मैं सुखा रही हूँ। तो इस तरह से जब ये इसको फिर मिक्सर जार में शिफ्ट कर लेंगे हम। ये देखिए गैस कर दिया मैंने बंद, अब इसको पीस लेंगे हम। बहुत थोड़ा है तो गरम भी पीस सकते हैं। ये देखिए पीस लिया, थोड़ा सा ठंडा करके पीस लिया मैंने। तो मेरी सिर्फ 4 ही मिर्ची है तो उस हिसाब से मैंने बनाया। आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नमक 1 चम्मच भर के, क्योंकि अचार हैं जो नमक से ही प्रिजर्व रहते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, और आमचूर पाउडर 1 चम्मच डालेंगे हम खटास देने के लिए। थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था, और सिरका है जो विनेगर, वाइट विनेगर है जो, इससे हम इस सारे बैटर को हिला लेंगे, घोल लेंगे, यानी थोड़ा सा मॉइस्चर दे देंगे इसको ताकि फिलिंग में निकले नहीं। और जो मिर्ची होती है ना, कोई भी अचार है वो खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लगता है। इसमें हमने राई डाली है, वो भी खटास देगी। सिरका डाल दिया, आमचूर डाल दिया, आप चाहें तो आमचूर को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए अच्छा सा एक मिक्स दीजिए इसको, लिक्विडी सा, थोड़ा सा लिक्विडी नहीं करना है इसको, हल्का सा ही रखना है। देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है और डाल लेना चाहिए मुझे, हमारे यहाँ थोड़ी सी मिर्ची खट्टी ही पसंद करते हैं तो मैंने थोड़ा खट्टा ज़्यादा डाला है। तो आप नींबू भी डाल सकते हैं इसकी जगह। तो ये देखिए बस इतना ही मॉइस्चर करना है। अब इसकी अच्छे से फिलिंग करेंगे पूरा भर भर के, दबा दबा के फिंगर से अंदर कर दीजिए इसको। ये देखिए, या फिर आप कोई स्पून ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको भर दीजिए। तो सारी मिर्ची मैंने इसी तरह से मैं भर लूंगी। लग रही है ना कितनी सुंदर सी। तो ये भर ली है सारी मिर्ची। अब क्या करना है, अब एक कोई जार लेना है जिसको बिल्कुल एयर टाइट हो और धूप में सुखाया हुआ हो, तो उसमें मिर्ची शिफ्ट कर लेनी है। अभी जाइएगा नहीं, एक प्रोसेस और रह गया है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अब मैंने लगभग 1 कटोरी जितना ऑयल लिया है, जिसको हम मस्टर्ड ऑयल, इसको हम गरम कर लेंगे अच्छे से। तो बस इसमें जग जो हमारा जार है, इसमें सारा जो बचा हुआ मसाला है, इतने में हमारा तेल हो रहा है गरम, सारा बचा हुआ मसाला मैं डाल दूँगी। और बस इसको अब ऑयल को इसके ऊपर डालेंगे। जितने में हम ऑयल इसके ऊपर डाल रहे हैं, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ये गया ऑयल, क्योंकि ऑयल है ना एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। और इसको करेंगे ढक्कन को बंद, और इसको धूप में 7 दिन लगभग धूप दिखाएंगे इसको, अच्छी खासी धूप, और फिर ये अचार बन के हो जाएगा तैयार। गिव इट अ गुड मिक्स, अच्छे से इसको हिला दीजिए। ये मैंने नेस्कैफे गोल्ड यानी कॉफ़ी वाला डिब्बा लिया हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, मैं आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट लिया है। बिल्कुल मॉइस्चर नहीं था इसमें। ये देखिए बन गया है अचार 10 दिन के बाद,
ये मिर्ची अच्छे से बन गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो लगी है अच्छी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।